कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे दिव्य पावन कथा जो माघ मास की हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, इसी दिव्य कथा का आनंद लेंगे। माघ स्नान की महान शक्ति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। वेद निधि ने कहा, अर्थात जो ब्रह्मचारी हैं अग्नेश, उनके पिता वेद ऋषि हैं, उन्होंने कहा कि हे राजन, हे ऋषिवर लोमेश ऋषि, आप कोई ऐसा वृत्तांत बताइए, कोई ऐसा विधान बताइए, कोई ऐसी कथा बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिनसे इन पिशाच योनि में पड़े हुए कन्याओं का और इस बालक का कल्याण हो सके, ऐसा कोई उपाय आप बताइए। लोमेश ऋषि बोले, एकमात्र उपाय यही है कि यह माघ स्नान करें। माघ में स्नान करने से ही इसकी मुक्ति हो सकती है। महान शक्ति होती है इस माघ मास के परम पवित्र स्नान में। यह पवित्र मास कहा गया है। इस मास में स्नान करने से निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होगा। प्रयागराज के विषय में भी उन्होंने बताया कि प्रयागराज में माघ स्नान मोक्ष को दिलाता है। बद्री वन में, जो बद्री वन है, उसमें माघ स्नान से पाप करने वाला व्यक्ति दुखों से दूर हो जाता है, उसके दुख जो है वो दूर हो जाता है और वह शिवलोक को प्राप्त होता है। यमुना में जो स्नान करता है उसको भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती। क्यों? क्योंकि यमुना के भैया कौन है? बोले भगवान सूर्य, यम। गंगा जी में जो माघ के महीने में स्नान करता है उसको विष्णु लोक की प्राप्त होती। क्यों? क्योंकि भगवान के विष्णु के चरणों से ही देवी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। तृप्ति, सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, गोदावरी, भीमः, पयोष्णः, कृष्णः, वाणिकः, कावेरी, तुंगभद्रा आदि जितनी भी नदियां हैं, ये नदियां सभी जा करके अंततो गत्वा समुद्र में मिल जाती हैं। तो स्नान करने वाले मात्र पाप से मुक्त होकर के स्वर्गलोक की प्राप्ति कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र में जो माघ के महीने में स्नान करता है इंद्रलोक की प्राप्ति करता है, तथा देव सरोवर में स्नान करना उत्तम बताया गया है। हे विप्र, प्रत्येक नदी में स्नान करने का अति उत्तम फल यहाँ पर बताया गया है। इन स्नान से देवता भी देह को प्राप्त करते हैं और वह देह देवताओं को भी दुर्लभ होती है। गोमती में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हेमकूट, महाकाल, ओंकार, परमेश्वर, नीलकंठ, समुद्र आदि में स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति हुआ करती है। माघ में स्नान करने से, पवित्र नदियों में स्नान करने से, संगम में स्नान करने से, स्नान करने के बाद वहाँ पर दान इत्यादि देने से पुण्य लाभ की प्राप्ति हुआ करती है। ऐसा संत और महापुरुष निरंतर नित्य बताया करते हैं, उपदेश भी दिया करते हैं। प्रयागराज में संगम स्थल पर स्नान करने से बड़े भाग्य से प्राप्त होता है यह संगम स्थल। और माघ का महीना हो और तीर्थराज प्रयाग में हो और संगम का क्षेत्र हो, तो स्नान करने से 3 दिन तक लगातार स्नान करने से महापातक जैसे भी अगर आपके ऊपर दोष लगे हुए हैं तो उन दोषों से व्यक्ति दूर हो जाता है, उन्हें सफल संपदा प्राप्त होती है और राजसु यज्ञ करने का फल भी प्राप्त हुआ करता है। राजा वीरसेन की कथा के विषय में यहाँ पर बताते हैं कि प्रवत्ति नगर में प्रसिद्ध राजा एक वीरसेन राज्य किया करता था। उसने नर्मदा के तट पर एक बार राजसु यज्ञ किया तथा 16 अश्वमेध यज्ञ किए। प्रत्येक यज्ञ के पश्चात ब्राह्मणों को अनेक गाय दाने में दिया करता था, बहुत सा सोना दिया करता था,
अन्न वस्त्र इत्यादि दान में दिया करता था। मूर्ख दुराचारी ब्राह्मण यज्ञ की कथा, वीरसेन के ही राज्य में एक कुलीन अर्थात कुल विहीन दुराचारी तथा मूर्ख ब्राह्मण भी रहा करता था। वह अत्यंत आलसी अपने घर से खेती थी उसके घर में, परंतु वह घर में ही रहा करता था। एक दिवस क्रोध से उसके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। भयवश वह घूमता फिरता कहाँ पहुँचा, बोले तीर्थराज प्रयाग में पहुँचा और माघ मास स्नान किया। उसने एकादशी सहित 3 दिनों तक जब स्नान किया तो त्रिवेणी में स्नान किया, तदुपरांत उसके तमाम पाप नष्ट हो गए। वह घर लौट करके आया तथा उसकी गणना उत्तम ब्राह्मणों में होने लगी। देखिए केवल स्नान मात्र से ही उत्तम ब्राह्मणों की गणना में वो आ गया और देव योनि से राजा वीरसेन तथा भद्दक ब्राह्मण की मृत्यु एक समय हुई। लोमेश ऋषि कहते हैं एक ही समय पर मृत्यु हुई। लोमेश ऋषि बोले मैंने स्वयं उसकी गति स्वर्ग में देखी और तुम्हें शरीर संदर्भ में इस पुरातन इतिहास को सुनाता हूँ। इसके सुनने से पिशाच योनि में स्थित तुम्हारे पुत्र एवं गंधर्व कन्याएं भी इस योनि से, राक्षस योनि से, इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगी। यह दिव्य गंगा की कथा है। इस कथा को हम आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां गंगा।